Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to a new real vlog. So I just woke up and मैंने आज सोचा कि okay, I have made a lot of vlogs telling you guys about how I spend my day and how I am spending quarantine, lockdown. अब lockdown 4 extend हो गया दिल्ली में till 31st May. Today I am going to show you guys a real day in Ravi's life through my eyes. So मेरा भाई पूरे दिन में क्या क्या करता है, how we take care of him और उसका क्या पूरे दिन का schedule रहता है and what makes him happy, what he does during the day and how he is spending this lockdown time. I thought it'll be interesting to see, to watch for you guys. अभी मैं उठी हूँ and कभी कभी रवि मेरे से late उठता है, कभी कभी वो बहुत सुबह जल्दी उठ जाता है, तो let's see अभी वो जागा हुआ है कि सो रहा है. It really depends on his mood, so let's go and see what is he doing. Let's get started. Ravi, good morning. Good morning. Good morning. क्या कर रहे हो? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? पिंपल? पुंछी होगी? रवि के बाल देखो कितने बड़े हो रहे हैं. रवि का सुबह का रूटीन हो गया है. आई हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर. यहाँ पे उसको एक्ने आ रहा है, सो बाद में मैं लगाऊंगी. बट या दिस इज हाउ हिज स्किन लुक्स लाइक. आई फील लाइक इट्स प्रीटी गुड फॉर अ गाय. आई एम इन द किचन एंड मम्मी ने बनाया है साबूदाना. मम्मी खा चुकी है, मेरे को और रवि को देगी. एंड पीछे सिम्बा घूम घूम कर रहा है. घूम घूम बॉल से खेल लें, बॉल से खेल लें, बॉल से खेल लें. यार रवि शीशे में शक्लें बनाता रहता है. क्या कर रहे हो? हटो. इसको शीशे में शक्ल नहीं बनाने देती क्योंकि इससे इसके मेल्टडाउन्स ट्रिगर होते हैं. रवि बैठ जाओ, तुम्हारा मोबाइल यहाँ पे चल रहा है, मैं फिर बंद कर रही हूँ. यहाँ पे बैठ के सुनो, सुनना है तो शीशे में शक्ल नहीं बनानी. ये लो, ये मेरे पापा का पुराना मोबाइल है जो रवि को दिया हुआ है, जिसमें वो यूट्यूब पे गाने सुन सके. कौन सा गाना सुन रहा है रवि? कबूती कबूती कबूती. मेरा यार बोलता है कोई कबूती बोलता है. इन द मीन टाइम आई हैव डन दिस प्रीटी सिंपल नो मेकअप मेकअप लुक टुडे बिकॉज आई वॉज फ्रॉम द पास्ट वीक. आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था मैं संडे को अपलोड नहीं करूंगी. दैट वॉज बिकॉज मैं एक हफ्ते से डीमोटिवेटेड थी, कुछ करने रही थी. सो आई थॉट कि सुबह उठ के थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहने ले, लाइक आई एम वेयरिंग दिस H&M की टी जो मैंने मुंबई से ली थी. एंड देन मैंने आज अपने बाल अच्छे से बना लिए, मैंने बन में नहीं रखे. आई ओपन्ड अप एंड हल्का सा नो मेकअप मेकअप लुक किया विदाउट फाउंडेशन और एनीथिंग. बट या आई फील लाइक आई लुक प्रिटी गुड एंड ऐसे अपने आप को देखने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया. इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई अचीव दिस नो मेकअप सिंपल मेकअप लुक, आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन IGTV टुडे. सो मेक श्योर कि आप वो देखो. सो लेट्स गो, लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट विद रवि बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस व्लॉग मेजरली अबाउट माई सेल्फ. कहाँ उठ रहे हो तुम? उठता रहता है, शीशे में जाता रहेगा, फिर मुक्के मारेगा. रवि स्टेबल हो जाओ. दिस इज माई प्लेट ऑफ साबूदाना. ये मुझे धनिया के साथ बहुत ज्यादा पसंद है, लव धनिया. बट रवि की प्लेट बिल्कुल प्लेन है क्योंकि वो धनिया सारा चुप चुप के निकाल देता है. ही डजंट लाइक धनिया एट ऑल. सो फर्स्टली आई एम गोना गिव दिस टू हिम. क्या लाई? साबूदाना. चलो खाओ. रवि
मत करो। नो क्या चाहिए रवि को? फन स्कूल चाहिए। चुप हो जा चल। दीदी को बता, इधर आ, इधर आ, इधर बता दीदी को क्या लेगा रवि। फन स्कूल लेगा और रवि को मैकडोनल्ड खाना है और रवि को शाही पनीर चाहिए। क्या चाहिए? और छोटू दीदी ला देगी फन स्कूल। बस बस, दुकान अभी दुकान बंद है ना रवि? दुकान अभी खुलेगी, स्मॉल शॉप खुलेगी रवि को। कितने लेगा फन स्कूल? 2 लेगा 3 लेगा? लेगा 2 ले ले तू, क्योंकि तू रो रहा है। ना 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 3 लेगा? लेगा। कौन से वाला लेगा? ग्लिटर टकला, ग्लिटर 12 कलर और स्मॉल लेगा? तू तो बाल वाला लेने वाला था। अरे ये क्या कर लिया खून खून गुंडे का ना। सो दिस वॉज एन एपिसोड। आई टोल्ड यू गाइज कि ऐसे रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस पे अपनी शक्ल देख के मुक्के मारने लगता है। सो दैट वॉज वन थिंग दैट हैपेंड। हो गया चुप? हो गया चुप। ठीक हो? ठीक हो। I would call it के ये छोटा वाला meltdown था because it didn't last for more than half an hour. So half an hour के अंदर रवि शांत हो गया and अभी as you guys can see ये बहुत hyper active हो रहा है, like ये खड़ा होके बार बार ऐसे हिले जा रहा है. So I think this is the right time to just spend his energy on something. तो मैं अभी इसको treadmill पे थोड़ा walk कराने वाली हूँ. शाम को मैं थोड़ा पढ़ाई कराऊंगी. अभी इसका mind बिल्कुल concentrated लग ही नहीं रहा है कि पढ़ाई कर पाएगा. So let's go exercise. रवि exercise करोगे? Okay. स्टार्ट करें? जी पियो, आराम से पीना। थक गया? ओके सो मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि रवि के बाल बड़े हो गए हैं एंड लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया है। आई डोंट नो व्हाट्स द स्टेटस के सलॉन्स एंड स्पास वगैरह खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, बट आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग माई ब्रो अ लिटिल हेयर कट टूडे बिकॉज उसको उसके बाल बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहे हैं। एंड दो माई फादर ऑल्सो नीड्स अ हेयर कट बट ही हैज़ टू गो टू द ऑफिस टू हिज हॉस्पिटल एवरी डे, सो आई कॉन्ट रिस्क हिज हेयर। बट मैं रवि के साथ थोड़ा सा कर सकती हूँ, डोंट वरी। मैंने मम्मी पापा की परमिशन ले ली है रवि के बाल काटने से पहले, सो इट्स नॉट लाइक मैं उसके साथ कोई अत्याचार कर रही हूँ। एंड मैंने रवि से भी पूछ लिया कि वो मेरे से हेयर कट कराना चाहता है या नहीं चाहता है। वी ऑल थिंक दिस इज अ वेरी क्यूट आइडिया। जब मैं स्कूल में थी मैं खुद के बैंग्स काटा करती थी, सो आई हैव एन एमेच्योर टू इंटरमीडिएट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विद हेयर कट्स, बट मैंने कभी लड़कों का हेयर कट नहीं किया है। सो आई एम ओपनिंग यूट्यूब राइट नाउ ताकि मैं नॉर्मल एक सिंपल हेयर कट कैसे करते हैं लड़कों का वो देख सकूं। सो आई एम गोना एजुकेट माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन विल ट्राई गिविंग हिम अ हेयर कट। गीले करने चाहिए बाल, बट आई डोंट नो व्हाई मेरे को गीले में फिर ना लेंथ का पता नहीं चलता, सो मैं ड्राई हेयर कट देने वाली हूँ इसको। आई मीन इसके बाल पहले से तेल लगे हुए थोड़े से हैं, तो थोड़ा वो वाला इफेक्ट तो आ ही जाएगा। लेट्स डू इट।
मैंने रवि पे किया है। टडा, आई थिंक ही लुक्स रियली रियली स्मार्ट। मैंने साइडों से इसको हल्का सा ग्रेडियंट इफेक्ट दिया है एंड देन ऊपर से मैंने इसके बाल लंबे छोड़ दिए ताकि इसका फेस अच्छा लगे। आई थिंक ही लुक्स रियली स्मार्ट। रवि, हेयर कट कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या लगा हुआ है आंखी में? है बताओ। सो दिस इज वॉट ही लुक्स लाइक। मैं यहाँ पे एक बिफोर फोटो डाल दूंगी एंड दिस इज वॉट ही लुक्स लाइक आफ्टर। आई रियली फील लाइक आई डिड अ गुड जॉब फॉर अ स्टार्टर। लाइक पीछे से भी बाल बिल्कुल ठीक ही काटे हैं मैंने, नो गंजापन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ये नीचे का भी बहुत क्लीन लग रहा है एंड सामने से भी इट लुक्स वेरी वेरी क्यूट। सो या दैट इज द हेयर कट। मेरे को लग रहा है मेरे सिर से बहुत बड़ा भार उतर गया क्योंकि आई जस्ट नेवर एवर इमेजिन कि मैं नॉर्मल हेयर कट रवि को दे पाऊंगी। मुझे लगा था कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे लग रहा है मैंने हल्का सा छोटा काट दिया, बट आई फील लाइक अच्छा इफेक्ट, थोड़ा आर्मी काइंड ऑफ रेजर कट टाइप का लुक आ रहा है। विदाउट अ ट्रिमर भी मैंने बहुत अच्छा दे दिया। तो अभी रवि का खेलने का प्लस गाने सुनने का टाइम है तो मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मेरे भाई को आइसक्रीम बहुत पसंद है और हम बाहर की चीजें अवॉइड कर रहे हैं। तो माय मॉम हैज बीन मेकिंग दिस आइसक्रीम सॉर्ट ऑफ फ्रॉम स्क्रैच। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल कुकिंग काइंड ऑफ थिंग, सो ऑब्वियसली ये बहुत आपकी मेन बाजार की क्वालिटी वॉल्स अमूल वाली आइसक्रीम्स की तरह टेस्ट नहीं करती है, बट इट डेफिनेटली टेस्ट गुड। लाइक मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। 8-10 केले फ्रीज करके रख लिए थे पर अभी हम इसमें से 4 केले यूज करेंगे। ठीक है। तो ये जैसे बर्फ की तरह जम गए, रात को मैंने जैसे रख लिए थे, मॉर्निंग में ऐसे बर्फ की तरह जम जाते हैं। तो ओवरनाइट केलों को फ्रीज करके रखना होता है या तो फिर 4-5 घंटे फ्रीज कर लो, पर मैंने ओवरनाइट कर लिए थे। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 4 बनाना इसमें डाल रही हूँ, 3/4 कप मिल्क। ठीक है। और इसमें वनीला एसेंस जाएगा 1 चम्मच वनीला एसेंस। अब इसमें हम या तो कोको पाउडर हो या हर्शीज हो उसका भी 2 चम्मच उसके डाल दो। नॉर्मल जो 5-10 रुपए की चॉकलेट आती है उसको पिघला के डाल सकते हैं ना, अगर किसी को डेयरी मिल्क या बॉर्न मिल्क पसंद हो डार्क चॉकलेट टाइप का। ठीक है। तो जिसके घर में जो चीज अवेलेबल हो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली डाल दो। ये मैंने छोटा चम्मच है ना, तो ये छोटे चम्मच मैंने 3 लिए। ठीक है। नहीं तो बड़ा तो 1.5 चम्मच हो जाएगा। और थोड़ी सी पाउडर शुगर डाल देती हूँ। ये सारा आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि कॉफी डालनी है नहीं डालनी, इतनी कॉफी डाल लेते हैं। ठीक है। और पाउडर शुगर भी डालना है तो मतलब यू कैन अवॉइड इट क्योंकि हर्शीज में थोड़ा शुगर तो होता ही है। अगर आप कोको पाउडर डाल रहे हो तो हाँ, तब तो थोड़ा आपको मीठा डालना ही पड़ेगा। सो देन हम अब इसको मिक्स कर लेंगे। हमारे घर पे डेयरी मिल्क पड़ी हुई है, इसको भी आप छोटे छोटे पीसेस काट सकते हो ऊपर से डालने के लिए या फिर उसको चॉको चिप टाइप ऑफ आइसक्रीम बनाने के लिए। बस अब इस आइसक्रीम को किसी भी डिब्बे में रख के तो इसके बीच में हाफ वे थ्रू चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं ऐसे एंड देन फिर रिमेनिंग पोर्शन लाइक दैट ऊपर से भी डाल सकते हैं। ये अब इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में बॉक्स में ऐसे करके एयर टाइट करना जरूरी है। एयर टाइट करना जरूरी है। ठीक है। और फिर इसको रख दो। सिंस आज हम रवि के बारे में ब्लॉग कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि उसकी फेवरेट घर की चीज़ क्या है, लाइक मम्मी के हाथ का उसको क्या पसंद है। फॉर मी इट इज़ पाव भाजी। यू गाइज नो मैं अभी तक बहुत बता चुकी हूँ, बट रवि के लिए उसकी फेवरेट चीज़ है छोले चावल। ही इज़ अ ट्रू पंजाबी इन दैट सेंस। मेरी मॉम पंजाबी है सो अभी वो यहीं पर बैठ के छोले चावल खा रहा है क्योंकि उसको बहुत 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 पसंद है। रवि क्या खा लो? सो या मेरी मम्मी की छोले भटूरे की रेसिपी अगर किसी को चाहिए हो या फिर मेरी मम्मी छोले कैसे बनाती है, बिकॉज वो बहुत टेस्टी ढाबा स्टाइल छोले बनाती है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में कुकिंग वाला हाइलाइट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। देयर इज शाही पनीर इन देयर, देयर इज पिज्ज़ा सब्जी इन देयर, छोले भटूरे, एवरीथिंग। मैंने सारी रेसिपियाँ वहाँ पर फॉरएवर के लिए सेव करके रखी हैं। सो आई जस्ट रियली वॉन्टेड टू गिव यू गाइज दिस अपडेट कि रवि को छोले बहुत पसंद है। Around 5 is his nap time. He's taking short naps and इस टाइम में सबसे ज़्यादा शांत होता है mostly. So ये नहीं कर रहे हो? आ से अनार, मुँह से बोलो आ से आम, आम, ई से
इमली इमली स्टार दे दूं दे एज यूजुअल वी हैव टू गिव हिम अ स्टार एक बार रवि को देखो अरे बाल कट गए कैसे कट गए देख इधर अच्छा लग रहा है स्मार्ट लग रहा है लड्डू दीदी ने काट दिए लड्डू मेरे भी काट दे नहीं हम लेके जा रहे रवि के लिए 3 पॉइंट स्कूल रवि का रवि को तो बाल वाला चाहिए था हम बाल वाला ले आए पेसी नहीं बाल वाला कैंची अच्छा ठीक है कैंची से खोल लो पहले वाह ओके गाइस सो रात हो गई है 8 बज गए हैं एंड हमारी चॉकलेट आइसक्रीम जम गई है इसको आप थोड़ी देर निकाल के 5-10 मिनट रखो ताकि आप इसको आराम से स्कूप आउट कर सको ये जाके रवि को देती हूँ रवि के लिए हमने क्या लिया आइसक्रीम चलो खा के बताओ कैसी है चॉकलेट आइसक्रीम ओ माय गॉड सो टुडे वाज रियली इवेंटफुल आई जस्ट लव कि हमने आइसक्रीम बना ली बड़े दिनों से खाने का मन कर रहा था वैसे मैंने 3 दिन पहले खाई थी बट इट्स सो गुड दैट आई रियली लव इट सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो जितना मैं रवि की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करके जो उसके बिट्स दिखा सकती थी उसके रियल डे में मैंने उतने दिखाए ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना शो यू द अगलीस्ट पार्ट्स ऑफ द डे बट आई होप आप लोगों को एक जिस्ट मिल गया हो उसकी लाइफ का एंड हाउ वी आर स्पेंडिंग लॉकडाउन पार्ट 4 लाइक कर देना अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं आजकल तो एंड कॉमेंट करके जाना उसके दिन की सबसे अच्छी बात आपको सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा एंड अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो प्लीज़ नीचे जाके और वीडियोज चेक करो आपको और बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिलने वाला है एंड अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को नीचे घंटी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हर ट्यूसडे फ्राइडे और संडे को सुबह 11 बजे न्यू वीडियो डाल देती हूँ फॉर मोर अपडेट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो राइट देयर टू कीप अप विद माय लाइफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय